दादी नानी के घरेलू नुस्खे सेहत की बहुत ज़रूरी बातें। नंबर एक, जो इंसान सुबह जल्दी नहीं उठते तो उनका दिमाग धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और स्वास्थ्य भी खराब रहने लगता है। नंबर दो, रोज़ाना भीगी हुई किशमिश खाने से इंसान को कोई भी बीमारी जल्दी से नहीं होती है। नंबर तीन, अगर आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं तो अनार के पेड़ के फूल और गुड़हल के फूलों का दही के साथ पेस्ट बना लें और फिर इसे अपने बालों में लगाएं। थोड़ी देर बाद पानी से धो लें और बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, साथ ही बाल सिल्की हो जाएंगे। नंबर चार, जो औरतें खड़ी होकर झाड़ू लगाती हैं उनको बुढ़ापा जल्दी आता है। बैठकर झाड़ू लगाने से घुटने और रीढ़ की हड्डी स्वस्थ रहती है। नंबर फाइव, गैस की तकलीफ से तुरंत राहत पाने के लिए लहसुन की दो कली छीलकर दो चम्मच शुद्ध घी के साथ चबाकर खाएं, फौरन आराम आएगा। नंबर सिक्स, प्याज के रस में नींबू का रस मिलाकर पीने से उल्टियां आना बंद हो जाती हैं। नंबर सेवन, सूखे तेजपान के पत्ते को बारीक पीसकर हर तीसरे दिन एक बार मंजन करने से दांत चमकने लगते हैं। नंबर एट, हिचकी चलती हो तो एक दो चम्मच ताज़ा शुद्ध घी गर्म करके सेवन करें। नंबर नाइन, ताज़ा हरा धनिया मसलकर सूंघने से छींकें आना बंद हो जाती है। नंबर टेन, प्याज का रस लगाने से मस्सा के छोटे छोटे टुकड़े होकर जड़ से गिर जाते हैं। नंबर इलेवन, यदि नींद ना आने की शिकायत हो तो रात में सोते समय तलवे पर सरसों का तेल लगाएं। नंबर बारह, पेट से जुड़ी समस्या को ठीक करने के लिए आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेंधा नमक और नींबू के रस को साथ मिलाकर पीने से ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। इससे गैस की समस्या भी दूर हो जाती है। नंबर तेरह, अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है और आप इसके लिए दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बता दें कि आप हल्दी के सेवन से अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। अगर आप हल्दी में दूध डालकर रोज़ाना पीते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। नंबर चौदह, दूध प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो मसल्स में आई सूजन को कम करने में फायदा दिलाती है। नंबर 15, अदरक और शहद का इस्तेमाल से आपकी सर्दी जुखाम और गले की खराश दूर हो जाती है। कोरोना में भी सभी लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। नंबर 16, जैतून के तेल से 3 दिन में एक बार रात को बालों की मालिश करें। इससे बालों को हर तरह का पोषण मिलता है और बाल लंबे और मुलायम होते हैं। नंबर 17, नारियल और शीशम के तेल में गुड़हल के फूल का पेस्ट और 15 मिनट के लिए लगाकर सिर धो लें। नंबर 18, मेहंदी भी बालों को पर्याप्त पोषण देती है। सप्ताह में एक दिन सिर में मेहंदी लगाएं, ये बालों को कलरिंग भी देगी और मुलायम भी करेगी। नंबर 19, मेहंदी में अंडा और चाय की पत्ती का पानी मिलाकर रात भर काली कढ़ाई में रखें और फिर सिर पर लगाएं। नंबर 20, पकी हुई नाशपाती को मैश करके इसमें जैतून का तेल और केला मिलाएं और फिर सिर पर लेप करें। इससे सिर की त्वचा को भी पोषण मिलेगा। नंबर 21, पंसारी की दुकान पर मिलने वाला पटसन के बीजों को रात भर भिगोकर रखें, सुबह उन्हें उबाल लें और उस उबले हुए पानी से बने जेल को सिर पर लगाएं। नंबर 22, मुलायम और काले बालों के लिए शिकाकाई भिगोकर रखें और उसे बालों पर लगाएं, बाल काले और घने होंगे। नंबर 23, रीठा और आंवला भी बालों को बहुत पोषण देता है, ये बालों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। नंबर 24, छोटे बच्चे को अगर बार बार बुखार की समस्या हो रही है तो 1 साल से बड़ी उम्र के बच्चे के लिए ये नुस्खा किया जा सकता है। इसके लिए आपको 2 काली मिर्च, 2 तुलसी के पत्ते और 1 चम्मच शहद का पेस्ट मिलाकर तैयार करना है। अब इसे बच्चे को 2 से 3 बार देने से बच्चे को बुखार में आराम मिलता है। नंबर 25, कच्चे पपीते का रस दांत पर लगाने और खुजली
कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। नंबर 26, त्वचा जल जाने पर तारपीन का तेल लगाने से जलन कम हो जाती है। नंबर 27, आग से जल जाने पर उस जगह पर शहद लगाने से फफोले नहीं निकलते हैं। नंबर 28, होंठों पर कच्चा दूध लगाने से उनका कालापन दूर होता है। नंबर 29, काले होंठों को गुलाबी करने के लिए मक्खन में केसर मिलाकर प्रतिदिन होंठों पर लगाएं। नंबर 30, चेहरे पर झाइयां होने पर तारपीन का तेल लगाकर कुछ देर बाद धो लें, असरदार उपाय है। नंबर 31, रात को सोने से पहले मुहासों पर काली मिर्च का चूर्ण लगाने से मुहासे खत्म हो जाते हैं। नंबर 32, टमाटर के रस को चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। नंबर 33, गाजर टमाटर और चुकंदर का रस एक गिलास हर दिन 2 महीने तक पीने से झाइयां, दाग धब्बे और मुहासे दूर होते हैं, चेहरे पर चमक आती है और रंग निखरता है। नंबर 34, चेहरे के तिल और मस्से हटाने के लिए रोजाना एलोवेरा जेल लगाएं। नंबर 35, त्वचा रोग के उपचार के लिए अजवाइन पीसकर काढ़ा लेप बनाएं, त्वचा के प्रभावित हिस्से पर लगाएं। नंबर 36, फोड़े फुंसी होने पर पीसी अजवाइन में नींबू का रस मिलाकर लगाएं। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक शेयर करें। तो ये थी आज की वीडियो, तो मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।